थर्ड राउंड के लिए टॉस हो रहा है इंटरनेशनल लखनऊ और डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के बीच में। सिमी भाई उछाल रहे हैं और ये टॉस उछाला। हटा लो भैया सिक्का दिखाने दो। और ये हेड आया, क्या है? टेल टेल कौन सा सिक्का है यार? ये टेल है और ये हेड है, देखिए पुत। ठीक है, इसको कहते हैं पुत। टेल आया है, पुराना सिक्का है, टेल आया है। कौन जीता इंटरनेशनल? टेस्ट सही हो गया है। नीचे से लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल काइट क्लब के रिजवान भाई और ऊपर से लड़ा रहे हैं सोनू डेक्कन चार्जर्स के मेंबर। काफ़ी रात में ये पहला पेज हो रहा है। डेक्कन चार्जर्स ने सिल्वर मुरादाबाद को बाहर करके इंटरनेशनल से राउंड में क्वालिफाई करा है। तो देखते हैं क्या होता है, इंटरनेशनल वर्सेस डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। नीचे से जगह ले रहे हैं रिजवान भाई। पहला पेज थर्ड राउंड, देखते हैं कौन काटेगा। ऊपर से सोनू भाई ने मुड्ढा बनाया, रिजवान भाई ने थोड़ा पट कर लिया। नीचे से अपनी पतंग को चलाते हुए रिजवान भाई, ऊपर से मुड्ढा बनाते हुए सोनू डेक्कन चार्जर्स के मेंबर। रिजवान भाई ने मुड्ढा बनाया, उसी पे कड़ा होता हुआ सोनू ने मार दिया, रोका। भारी तरफ रिजवान ने ताकत खींचा, कड़ा होता हुआ सोनू ने भी मारा, दोनों लोग खींचा। बढ़िया पे सोनू ने रिजवान भाई को काट दिया। 1-0 का स्कोर हो गया है इंटरनेशनल वर्सेज डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के बीच में। तो आप देख सकते हैं रिजवान भाई, जो कि एक रूल होता है कि जो पतंग का साइज है वो 23-23 ठड्डा होगा और जो कमान होगी 26.5-27 होगी। तो टूर्नामेंट में जब सोडी भाई और अजमी भाई जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने जब इसका साइज नापा है तो जो ठड्डा है असगर पतंग का, उस्ताद हैं जो असगर मेरठ के पतंग बनाते हैं, उनका ठड्डा थोड़ा सा बड़ा है। तो रिजवान भाई उसको नेल कटर से काट रहे हैं और साइज मिला रहे हैं, जिसके बाद ये टूर्नामेंट के लिए पास हो जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं अजमी भाई इस पे? नहीं, जितना ठड्डा बड़ा होगा उतना काट के उसके बाद लाएंगे, फिर से पतंग नाप दी जाएगी। फिर से पतंग नापी जाएगी जी। तो रूल सभी के लिए एक है, सबके लिए एक। अगर एक सूत भी बड़ा है तो काटना ही पड़ेगा जी, काटना पड़ेगा, बिना कटे ना पड़ेगा। लेकिन दो सूत के ऊपर नहीं चलता, दो तीन सूत नहीं, आधा सूत चला जा सकता है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। तो सभी लोग हैं, बड़े बड़े उस्ताद, हमारे उस्ताद आगा जी भी हैं, पतंगें नापी जा रही है। दोबारा से देखिए इस पतंग को नापा जा रहा है, देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए अब ये 23.5 तक है और ये पास हो जाएगी इस ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में। और ये मोहर लगा दी गई है, सोडी भाई हमारे सिग्नेचर भी कर दे रहे हैं। तो नमस्कार बढ़िया अंकल, आप बताइए कैसे हैं? नीचे से जगह लिए हुए हैं, सैफ लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के मेंबर, ऊपर से लड़ा रहे हैं सोनू भाई। तो देखने वाला पेज कि कौन काटता है। बढ़िया मुकाबला होने वाला है इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के बीच में। आज के दिन का पहला पेज और एक ही टीम लड़ रही है। नीचे से सैफ अपनी पतंग को लिए हुए हैं, सोनू अपनी पतंग को रखते हुए थोड़ा अंदर की तरफ उतारा, सैफ ने काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दिया, रोका। वापस सोनू थोड़ा गर्दन की तरफ, सैफ की पतंग थोड़ी सी बढ़ है। नीचे से लड़ा रहे हैं सैफ, ऊपर से लड़ा रहे हैं सोनू डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के मेंबर। सोनू ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा कर लिया, अलग कर लिया।
तो फ्रेंड्स कैंसिल होने के बाद दोबारा से हो रहा, थोड़ी हवा कम हो गई थी, तो करीब आधे घंटे बाद ये हो रहा है, सही हो गया है पेज। ऊपर से लड़ा रहे हैं सोनू भाई, नीचे से लड़ा रहे हैं सैफ, 500 मीटर की रेंज में ये हो रहा है पेज। नवा दिन है इस टूर्नामेंट को और आज एक ही टीम लड़ रही है, सिर्फ डेक्कन वर्सेस इंटरनेशनल। गेम क्लियर हो रहे हैं पहले पुल के, तो देखते हैं कि कौन काटेगा और जो भी इसमें आज क्लियर करेगा वो लड़ाएगा इंटरनेशनल अलाहाबाद पे। और ये देखिए पतंग टूट गई, पेज पे टूट गई, पेज सही था, सैफ ने भी खींची नहीं और ये सीटी बच गई। बढ़िया पेज मिल गया है इंटरनेशनल को फ्री में, तो एक एक का स्कोर बराबर इसी के साथ। पेज सही चला, नीचे से उस्ताद आगे लड़ा रहे हैं, एक एक का पेज बराबर है। नीचे से उस्ताद अपनी पतंग को लिए, ऊपर से सोनू सीधा गद्दा मारा, उस्ताद आगे ने सीधा करके झटक दिया तेज तेज और बढ़िया पेज काट दिया। इसी के साथ 2-1 का स्कोर हो गया है इंटरनेशनल वर्सेस डेक्कन हैदराबाद के बीच में। नीचे से उस्ताद लड़ा रहे हैं और उस्ताद इस पतंग से एक पेज काट चुके हैं, तो देखते हैं आपकी बार इस पतंग से कितना आगे तक जाएंगे उस्ताद। ऊपर से लड़ा रहे हैं हैदराबाद के मयंक, नीचे से जगह ले ली है उस्ताद ने, पेज सही हो गया है। ऊपर से मयंक अपनी पतंग का मुंडा रखते हुए, मयंक की पतंग काफ़ी बड़, उस्ताद ने अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकाल के गर्दन की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं और अपनी पतंग को ऊंचा ऊंचा ही रोके हैं मयंक। दोनों के बीच में ये चौथा पेज है और स्कोर जो है 2-1 का है। देखते हैं आपकी बार कौन काटेगा। अपनी पतंग को काफ़ी तेज़ ऊँचा खींच लिया, नीचे से उस्ताद झोल खींच रहे थे और पतंग काफ़ी ऊँची लड़ रही है। नीचे से उस्ताद अपनी पतंग को लगाए हैं, ऊपर से अपनी पतंग को मयंक चलाते हुए दोबारा से उस्ताद ने नीचे से जगह ली है अंदर के मुड्डे पे। मयंक ने अपनी पतंग को थोड़ा चलाया और ऊंचा ऊंचा ही अपनी पतंग को चला रहे हैं, बिल्कुल नीचे नहीं ला रहे। उस्ताद ने ज़मीन से काफ़ी ऊंचा मुड्डा दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे से करके दिखाता हूँ, पतंगें गायब हो जाएंगी। देखिए इतना आसमान अभी भी नीचे है, काफ़ी ऊँचा मुड्डा दे रखा है उस्ताद ने। तो मयंक अपनी पतंग को ताने हुए हैं एकदम और ऊँचा ऊँचा ही खींच रहे हैं, बिल्कुल नीचे नहीं आ रहे, काफ़ी ऊँचा मुड्डा मिला है। तो देखिए कैंसिल कर दिया गया, पतंग को ताने हुए हैं और ये देख सकते हैं मुड्ढा नीचा नहीं रखा जा रहा, तो कमेटी मेंबर्स भी कह रहे हैं कि इतनी ऊंची पतंग है और अब मुड्ढा नहीं उतारा जा रहा। तो चलिए फिर से पेज होगा तो कंटिन्यू करेंगे। पेज सही हो गया है, ऊपर से मयंक आ गए हैं फिर से, नीचे से उस्ताद अपनी पतंग को लगाएं और फिर से नीचे से काफ़ी ऊंचा मुड्ढा दे रखा है मयंक को और स्कोर जो है 2-1 का चल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, 2-2 बराबर हो जाएंगे या 3-1 से इंटरनेशनल आगे हो जाएगा। नीचे से उस्ताद ने काफ़ी तेज़ी से अपना मुड्ढा लिया, अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, ताकत से खींचते चले जा रहे हैं। मयंक की पतंग बाहर के निकलते हुए मुड्ढे पर रोका, मयंक ने फिर से सीधा लगा, उस्ताद ताकत से भरे हुए रोक नहीं रहे, बिल्कुल ताकत से खींचते जा रहे हैं। उस्ताद ने एकदम एंड टाइम पर रोका है और फिर से रोका, चुस्की मार के कंठी बांध ली है उस्ताद ने, काफ़ी ऊँचा करा के ज़मीन से कंठी बांधी है। मयंक की पतंग काफ़ी ढीली और देखिए उस्ताद ने फिर चक्कर लिए, शायद काट काट नहीं हुई, डोर आई नहीं, पेज निकल गया। तो सेकेंड टाइम ये पेज निकल गया, बहुत ताकत से उस्ताद ने खींचा था काटने के लिए झोल, लेकिन पतंग आई नहीं। तो अब तीसरी बार जब होगा, 2 बार कैंसिल बार, तो देखते हैं क्या होता है, कौन काटेगा। बहुत अच्छी कोशिश थी उस्ताद की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो नीचे से उस्ताद फिर से जगह लिए, तीसरी बार है, 2 बार कैंसिल हो चुका है। ऊपर से मयंक लड़ा रहे हैं, अंदर की तरफ मुड्ढा रखा है और उस्ताद काफ़ी जीदारी से ऊंचा मुड्ढा दे के लड़ा रहे हैं डेक्कन चार्जर्स को, निकलता हुआ मार दिया मयंक ने कंटी पट की तरफ, उस्ताद ने भी खींचा, बढ़िया, दोनों लोग ताकत से खींचते जा रहे हैं, झटक दिया उस्ताद ने, गज़ब का पेज काट दिया है कंटी तरफ, बाहर की तरफ खींचा उसके, झटक दिया, बहुत बढ़िया पेज काटा उस्ताद ने। और इसी के साथ जो स्कोर था इंटरनेशनल का 3 हो गया है और 1 काटा है सिर्फ डेक्कन ने। तो ये हमारे उस्ताद बहुत बढ़िया पेज काटा, इससे पहले भी बहुत ताकत से लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया था। साथ में डेक्कन के भी मेंबर, उस्ताद क्या कहना चाहते हैं, पहले वाले पेज में तो आपने सोचा था बस आप लड़ा लो। हाँ नहीं, अब हवा कम हो पाई, उड़ जा रही थी, पेज तो पहले ही लड़ जाता है, बार बार हवा कम हो जा रही थी, हवा लगी फौरन पेज हो गया। इस बार तो बहुत बढ़िया आपने मारा, हमने पट करके, इस बार अगर ना होता बहुत बढ़िया पेज दोनों के कटे में दे दिए जाते। तो ये देखिए, ये कमेटी मेंबर है हसीब भाई, मतलब मैसेज ये है कि कोई भी देर लगाएगा चाहे कोई भी हो उसका पेज कटे में दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, जो नहीं लगा बहुत बढ़िया पेज काटा उस्ताद ने और अभी आगे बहुत पेज लड़ने हैं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। से लड़ा रहे हैं डेक्कन हैदराबाद के मेंबर, 3-1 का स्कोर, इंटरनेशनल ने 3 काटे हैं और डेक्कन ने 1 काटा है। नीचे से उस्ताद लड़ा रहे हैं, 2 पेज काट चुके हैं अपनी इस पतंग से। ऊपर से राशिद लड़ा रहे हैं डेक्कन हैदराबाद के मेंबर, तो देखते हैं आपकी बार कौन ये पेज काटेगा। थर्ड राउंड लड़ रहा है दोनों के बीच में, नीचे से जगह लिए हैं, पेज सही हो चुका है। ऊपर से राशिद अपनी पतंग को चलाते हुए काफ़ी ऊँचा ऊँचा चला रहे हैं, नीचे से उस्ताद काफ़ी ऊँचा मुड्ढा दिए हैं, ताकत से अंदर की तरफ खींचा, रोक लिया, फिर से खींचा, रोका और अपनी पतंग ऊपर ही ऊपर चक्करों पे रखे हुए हैं राशिद। राशिद ने भी काफ़ी बढ़िया पेज काटे थे इससे पहले के जो 2 राउंड हुए हैं,
तीसरा राउंड ये चल रहा है, इसमें से जो क्वालिफाई करेगा वो लड़ाएगा इंटरनेशनल अलाहाबाद से, जिसमें वकील, शब्बू और आसिफ हैं। काफ़ी मजबूत टीम निकल के आई है और मजबूत प्लेयर हैं उसमें अलाहाबाद के। उस्ताद ने काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दिया, राशिद ने ऊपर कर लिया, उस्ताद ने काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दे रखा है कि फिर से कैंसिल हो गया है। पेज सही हो चुका है, कैंसिल होने के बाद अब देखते हैं अब की बार क्या होता है। नीचे से उस्ताद जगह लिए हैं, निकलता हुआ राशिद ने बनाया, उस्ताद ने कंठी मार के रख लिया, वापस अंदर की तरफ केज के झटक रहे हैं तेज़, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पेज फंसा लिया है उस्ताद ने, राशिद भाई भी डबल करके रखे हैं, चुस्की पेज फंस गया है। राशिद भाई और उस्ताद आगा के बीच में 3-1 का स्कोर, इंटरनेशनल वर्सेज डेकन हैदराबाद के बीच में। चुस्की निकलती जा रही है और ये देखिए बढ़िया पेयर, राशिद ने काट दिया उस्ताद आगा को और स्कोर जो है 3-2 का हो गया है। तो फ्रेंड्स कांटे की टक्कर चल रही है डेकन हैदराबाद और इंटरनेशनल लखनऊ के बीच में, 3-2 का स्कोर, 3 इंटरनेशनल ने काटे और 2 काटे हैं डेकन हैदराबाद ने। नीचे से राशिद लड़ा रहे हैं, ये देखिए राशिद भाई खड़े हैं, मैं दोनों प्लेयर्स को आपको दिखा दे रहा हूँ, ये राशिद भाई खड़े हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं अब की बात सैफ, तो सैफ को मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी पीछे खड़े हैं, बीच में मैं खड़ो के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लड़ा रहे हैं सैफ और उनको देखने के लिए काफ़ी बच्चे साइड में देखिए बैठे हुए हैं। हरी झंडी है, तैयारी चल रही है, मान भाई झंडी दिखा रहे हैं और दिलशाद भाई साहब भाई की चरखी दिखाते हुए, तो चलते हैं पेज पे जल्दी से। और ये लगी हैं पतंगे डेकन और लखनऊ इंटरनेशनल की, नीचे से जगह लिए हुए हैं, तो ये हैं दोनों की पतंगे। ऊपर से साहब थोड़ी बंधी हुई, बड़ी हवा चल रही है और नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को लिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। राशिद भाई अपनी पतंग को थोड़ी डोल निकालना है, 400 की रेंज होगी ये, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हवा ज़्यादा नहीं है इसलिए इस रेंज में लड़वाया जा रहा है। तो देखिए ऊंचा कर रहे हैं अपनी पतंग क्योंकि हवा नहीं लग रही बिल्कुल, तो पेज सही होता है फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को लिए हैं, ऊपर से अपनी पतंग को सैफ चला रहे हैं, 3-2 का स्कोर है और दोनों के बीच में छठा पेज है, तो देखते हैं क्या 3-3 बराबर हो जाएंगे या फिर 4-2 का स्कोर हो जाएगा डेकन और इंटरनेशनल के बीच में। सिर्फ एक गेम लड़ रहा है आज 9वें दिन, और जो 8वें दिन का आपने टूर्नामेंट देखा होगा उसमें भी सिर्फ एक गेम लड़ा था, उसमें हैदराबाद वर्सेस मुरादाबाद हुआ था जिसमें हैदराबाद निकल के अगले राउंड में ये लड़ा रही है इंटरनेशनल से। आज दोनों में से जो निकलेगा वो इंटरनेशनल अलाहाबाद से लड़ाएगा जिसमें वकील, शब्बू और आसिफ लड़ाते हैं। ऊपर से अपनी पतंग को लिए हुए हैं सैफ, थोड़ी सी बढ़ दिए हैं, नीचे से राशिद और ज़्यादा ऊंचा करके पेज नहीं लड़ा रहा, आप देख सकते हैं नीचे एक घर है उसकी ममटी दिख रही है, टंकी रखी, सीधा गद्दा सैफ ने मारा, रोका, वापस अपनी पतंग को उठा लिया है, काफ़ी ऊंचा करके फिर से ले आए हैं सैफ अपनी पतंग को, बहुत नीचा है, अगर सैफ ने पूरा गद्दा मारा तो हो सकता है पतंग घुस जाए, फिर से ऊँचा ही रखे हैं सैफ और नीचे से राशिद अपनी पतंग चला रहे हैं एक ही जगह पर। सैफ की पतंग राशिद भाई की पतंग से थोड़ी सी बढ़ है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जगह ली, सैफ ने फिर से रखा, आप देख सकते हैं नीचे फिर ममटी दिखने लग गई, काफ़ी नीचे पेज हो रहा है। नीचे से राशिद अपनी पतंग को चला रहे हैं, सैफ धीरे धीरे अंदर की तरफ पतंग को रखते जा रहे हैं, अंदर के हाथ पर रखा फिर उठा लिया, काफ़ी नीचे आ जा रहा है पेज और राशिद थोड़ा सा ऊँचा करके अगर मुठा दे तो पेज जल्दी हो जाएगा। पेज सही चल रहा है तो कमेंट्री मेंबर भी बोल रहे हैं पेज सही है, थोड़ा ऊँचा करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे से पे सही चल रहा है, नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को एक जगह चला रहे हैं, सैफ चाह रहे हैं थोड़ा सा ऊंचा आए तो गद्दा मार सके क्योंकि नीचे करते हैं तो पतंग और नीचे आ जाती है राशिद भाई की, जिसकी वजह से गद्दा मारने में दिक्कत है। तो देखिए पेज कैंसिल कर दिया गया है, दोनों लोग एक जगह चलाते, अब दोबारा से कंटिन्यू होगा तो हम लोग देखेंगे, अभी सही नहीं हुआ है, सीटी बज गई, पेज सही हो गया है, अब देखते हैं कौन काटेगा। नीचे से राशिद भाई जगह लिए हुए हैं, ऊपर से सैफ की पतंग काफ़ी बढ़, सैफ ने निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका और राशिद भाई फिर से नीचे की तरफ धीरे धीरे पतंग को ले जा रहे हैं, सैफ ने फिर से ऊंचा करा, राशिद भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तगड़ी पतंग उड़ाए हैं राशिद भाई और काफ़ी बढ़ दे के जगह ले रहे हैं सैफ इंटरनेशनल के मेंबर। राशिद ने काफ़ी ताकत से खड़ा खींचा और ये देखिए जो झोल था सैफ का रोके रोके ही कट गया, बढ़िया पे राशिद भाई ने इंटरनेशनल के मेंबर को काट दिया और 3-3 का स्कोर बराबर हो गया। तो पे सही हो चुका है, 3-3 का स्कोर, काटे की टक्कर चल रही है डेकन हैदराबाद और इंटरनेशनल लखनऊ के बीच में। ऊपर से सैफ लड़ाने के लिए फिर से आए हैं और नीचे से लड़ा रहे हैं राशिद भाई, इस पतंग से एक पेज काट दिया है राशिद भाई ने, राशिद भाई ने अपनी भारी पतंग को ऊंचा करा, नीचे की तरफ पट करा, सैफ ने निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, उसी को ताकत से बना लिया, राशिद भाई ने भी खड़ा खींचा, निकलता हुआ मारते जा रहे हैं, सब बढ़िया पेज काट दिया, पतंग सैफ की थोड़ी सी अंदर की तरफ है, जब ताकत से गद्दा मारा सीधी हो गई और बढ़िया पेज काट दिया राशिद भाई को
और स्कोर जो है 4-3 का हो गया है। और ये देखिए हमारे हसीब भाई जो एक्स सेक्रेटरी और करंटली LKCO के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हसीब भाई हाय कह दीजिए जरा। हेलो, ये हेलो कह रहे हैं। और बीच में हमारे भाई के चैनल को सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये बीच में हमारे मोहित भाई जो कि काफी पुरानी काइट शॉप चला रहे हैं खाला बाजार। मोहित भाई एक बार बता दीजिए कितनी पुरानी आपकी काइट शॉप है? 22 साल हो गए हैं मोहित भाई को कंटिन्यू काइट शॉप रन करते हुए मोहित नाम से। और साथ में है मजर भाई जो कि इंटरनेशनल काइट क्लब से शॉप करते हैं और रिजवान भाई के छोटे भाई हैं। ऑल इंडिया विनर भी हैं। तो मदर भाई कौन सा वाला आपने ऑल इंडिया जीता था? सन 2006 का। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्पीड क्लब से। स्पीड क्लब से ये स्पीड क्लब लखनऊ का? अच्छा, लखनऊ के एक क्लब था। लखनऊ वालों का। तो देखिए ऑल इंडिया विनर भी हैं हमारे साथ इस टाइम। मोहित भाई भी विनर है। मोहित भाई आपने कौन सा जीता था? अच्छा साथ ही में टीम थी अंसार भाई। तो किस टीम से आप लोग उतरे थे? स्पीड क्लब से। अच्छा स्पीड क्लब से ही आप लोग उतरे। तो किसके खिलाफ आपने जीता था ये? कहाँ के? इलाहाबाद के सुकरन के लड़के थे, रमेश भाई वाली। तो देखिए ऑल इंडिया ये चल रहा है 2022, उसमें दो ऑल इंडिया विनर 2006 के हैं, मोहित भाई और साथ में मजर भाई। और साथ में हमारे हसीब भाई हैं जो कि लखनऊ में काफी मशहूर प्लेयर हैं, काफी महले भी काट चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी इनको तो अब नहीं है, लेकिन बीच में इनको थोड़ा सा बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से कुछ नस दब रही है इनकी। इस वजह से थोड़ा सा इधर जो है इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन हो गया। कुछ कहना चाहेंगे हसीब भाई? अब क्या, जब वर्टिब्रा दो हट गई है मेरी, रीढ़ की एक दो पेज खड़े होकर जैसे बचाने वाला होता है तो बचा लेते हैं भारी से। हाँ, अभी उस दिन मौलवी जन के आंसू ने 8 काट दिए थे जी, जी। हमारी तरफ सब खींचने वाले थे वो कट गए, फिर मैं लॉ टेक्निक थोड़ी दिखाएं बचा के हमने पलट के 6 भी काट दिए थे। तो हवा होती है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से काट देते हैं, बाकी अब खींची उसको खत्म हो गई है। तो हसीब भाई का CID क्लब उसमें शौक करते हैं, आज भी लड़ाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम है, इस वजह से गेम जो है थोड़ा सा हल्का हो गया और कम भी कर दिया है जी। तो मोहित भाई कुछ कहना चाहते हैं? ये टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और मतलब सब नियमों के साथ हो रहा है, नियमों के साथ हो रहा है। हाँ, मजा आ रही है। हमारा टूर्नामेंट है जी, ये चाहे मेरा खुद का क्लब हो जी, जी, या किसी का भी हो, जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा, पक्ष नहीं लिया जा रहा, कोई भी पक्ष नहीं लिया। इसी वजह से सारी संस्थाओं में LKCO संस्था जो है वो सबसे आगे है। सब सारी संस्थाओं में 500,000 में क्लब खुल जाते हैं, आप जानते हैं। हमारे यहाँ लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें चाहिए एजुकेटेड लोग। पतंग को जो गाली गलौज करते हैं ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं। जो क्लब एंटर होता है LKCO में वो 1 साल के लिए अंडर ट्रायल होता है, अंडर ट्रायल होता है। अगर वो उसमें सही निकलता है तो ठीक है, वरना स्क्रैच हो जाता है जी। अच्छा हसीब भाई, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट, तो ये जो संस्था है आपकी LKCO काइट फ्लाइंग एसोसिएशन लखनऊ की, ये कितने साल से चल रही है? ये देखिए 1924 से सुरेश बाबू ने, जो हमारे स्वर्गीय सुरेश अंकल थे जी, जी, उनके भाई जी, जी, उन्होंने स्टार्ट की थी। और उनके पास बाबू जो है, उनके बड़े भाई जो पहले थे, शायद BP श्रीवास्तव नाम था जी, जी, ये उनकी बनाई हुई संस्था थी जी। और उनके पास 2-3 पतंग ऐसी हैं जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हैं। रिकॉर्ड तो ये जब आपकी संस्था जब चालू हुई थी LKCO, तो उस समय और भी कोई संस्था थी? अब इतनी पुरानी बात है, हम ही नहीं थे उस समय, आप ही नहीं थे, बहुत बढ़िया। हम 2012 में अपनी तकलीफ की वजह से डॉक्टर ने बोल दिया जी कि आप पतंग उड़ा के, मैं स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर था, अच्छा, पतंग जानते ही नहीं था, मुझे नहीं पता था क्रिकेट में आगे भागना पड़ता है, पतंग में उससे तेज पीछे भागना पड़ता है। तो फिर ये धीरे धीरे होता गया और थोड़ा बहुत काट दिया तो लोग जानने लगे। तो ये थे हमारे साथ LKCO के वाइस प्रेसिडेंट मोहित भाई, जिनको 22 साल पुरानी काइट शॉप रन करते, काफी मशहूर हैं पतंगबाजी के गेम में भी ऑल इंडिया विनर है, और साथ में मजर भाई ऑल इंडिया विनर, तो बढ़िया प्लेयर लखनऊ के। अब हम लोग चलते हैं पेज पे इंटरनेशनल और डेक्कन हैदराबाद के पेज पे। तो पेज सही हो चुका है, ऊपर से इंटरनेशनल के सैफ लड़ा रहे हैं, नीचे से मयंक लड़ा रहे हैं डेक्कन हैदराबाद के मेंबर। 4-3 का स्कोर है, 4 इंटरनेशनल लखनऊ ने काटे हैं और 3 काटे हैं डेक्कन हैदराबाद ने। तो अब की बार देखते हैं कौन ये पेच काटेगा। तार वालों की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप कमेटी मेंबर्स माइक पे बोल रहे हैं उस पर भी सुन सकते हैं आप। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए सैफ और नीचे से हैदराबाद के मयंक लड़ा रहे हैं, तो देखते हैं कौन काटेगा। कांटे की टक्कर चल रही है, सिर्फ एक टीम आज लड़ रही है, इसीलिए आपको सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं के पेज दिखाए जा रहे हैं। कमेटी मेंबर्स माइक से ऐलान कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है तार वालों की वजह से,
तार की पतंग उड़ाना, खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। इससे पतंग में ही आगे चल के दिक्कत है पतंग वालों को, काइट फ्लायर को। तो अंदर की तरफ सैफ ने मुड्ढा रखा है, बाहर की तरफ कंठी थोड़ी सी बनाई, वापस सैफ ने उठा ली। महंग अपनी पतंग नीचे नीचे चला रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको पेड़ दिख जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा नीचे करते, ये देखिए पेड़ आपको दिख रहा है। तो ज़्यादा ऊँचा करके पेज नहीं लड़ा रहे हैं। गड़ोता मुड्ढा सैफ ने बनाया, रोका, निकलता हुआ ताकत से सैफ ने बना दिया। सैफ की पतंग सीधी होती जा रही, बाहर की तरफ खींच रहे हैं मयंक पाइप की। सैफ की पतंग सीधी अंदर आती जा रही है और मयंक ताकत से खींचते जा रहे हैं और सैफ की पतंग नहीं आई है। रोक दिया मयंक ने और सैफ ये पेज जो हैं कट गए हैं। तो 4-4 का बराबर हो गया स्कोर फिर से और कांटे की टक्कर हो रही है इंटरनेशनल और डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं उस्ताद आगा जी और नीचे से लड़ा रहे हैं मयंक। एक पेज काट चुके हैं अपनी इस पतंग से सैफ को। तो देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, कौन पहले काटेगा पाँच, क्योंकि 4-4 का स्कोर बराबर है दोनों के बीच में। नीचे से उस्ताद आगा हाथ की तरफ बढ़ते हुए, और ज़्यादा रेंज नहीं है क्योंकि हवा काफ़ी कम है। निकलता हुआ उस्ताद ने बनाया, रोका, मयंक ने ऊपर ताकत से खींचा, रोका। उस्ताद धीरे धीरे अपनी गर्दन की तरफ पतंग को लेके आ गए हैं। उस्ताद ने निकलता बनाया, रोका, छोड़ दिया। मयंक ने काफ़ी ऊंचा करके ताकत से खींचना शुरू कर दिया है। बाहर निकलती हुई पतंग जाने नहीं दे रहे हैं। मयंक को कंठी मार के निकाला लेकिन शायद पेज आया नहीं है। उस्ताद की पतंग काफ़ी ऊँचे है तो पेज आया नहीं और ये पेज को कैंसिल कह दिया गया है। फिर से सही हो गया है, सीटी बच गई है। अब देखते हैं कौन काटेगा। 4-4 का स्कोर बराबर डेक्कन और इंटरनेशनल लखनऊ के बीच में। ऊपर से उस्ताद आगा अपनी पतंग को लिए हैं, काफ़ी भारी पतंग उड़ाए हुए हैं। नीचे से हैदराबाद के मेंबर, बीचों बीच में उस्ताद आगा अपना मुट्ठा रखे हुए हैं। नीचे से लड़ा रहे हैं मयंक, एक पेज काट चुके हैं इस पतंग से। तो देखते हैं अब की बार दूसरा पेज उस्ताद आगा को काट पाएंगे कि नहीं, या तो उस्ताद आगा मयंक को काट के 5-4 का स्कोर कर लेंगे। मयंक ने नीचे से ताकत से अपनी पतंग को खींचा, उस्ताद ने अपनी पतंग को बचाने के लिए ऊपर के लिए खींचा, रोका उस्ताद ने, और ताकत से मयंक खींचते जा रहे हैं अंदर की तरफ। उस्ताद ने भी खींचा लेकिन शायद पेज आया नहीं है और मयंक खींच के निकाल लाए हैं। देखना ये है कि पेज आया कि नहीं, पेज आया नहीं है शायद। और वापस उस्ताद अपनी पतंग को जल्दी से रख रहे हैं ऊपर से और रेंज जो है खींचते खींचते काफ़ी कम हो गई है। तो देखते हैं ये है कि कौन काटेगा। धीरे धीरे पतंग को बचाते हुए, धीरे धीरे अपनी पतंग को बचाते हुए मयंक उस्ताद उसी पर चढ़ गए हैं और देखिए फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि पेज आया कि नहीं, एकदम कन्ने से पेज हो गया है। बहुत फंसाने की कोशिश करी है उस्ताद ने, जाने नहीं दिया मयंक को, लेकिन शायद पेज आया नहीं, पेज आया नहीं, पेज कैंसिल बोल दिया गया। तो मयंक लड़ा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं मयंक भाई खड़े हुए हैं। 4-4 का स्कोर बराबर चल रहा है, चरखी दिखा रहे हैं राशिद भाई। और हमारे उस्ताद लड़ा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं उस्ताद ये खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग उनको देख रहे हैं पीछे से खड़े होके, झंडी दिखा रहे हैं। विकास दद्दा साथ में खड़े हैं, काशिफ भाई चरखी दिखा रहे हैं, दिलशाद भाई। तो चलते हैं पेज पे, 4-4 का स्कोर बराबर है दोनों के बीच में। देखते हैं अब कौन काटेगा याले पेज पे। पेज सही हो गया है, नीचे से जगह लिए हैं मयंक, ऊपर से उस्ताद। 4-4 का स्कोर, ताकत से खींचते हुए मयंक छोड़ नहीं रहे, ताकत से खींचते जा रहे हैं अपनी पतंग को बचाते हुए। उस्ताद सेम पेज ऐसे ही लड़ रहे हैं लेकिन काट काट नहीं हो रही, ना पेज आ रहा है ना डोर आ रही, बार बार सिर्फ कैंसिल हो रहा है। पेज सही है, अब की बार कैंसिल नहीं करा गया है, देखते हैं क्या होता है। नीचे से मयंक अपनी पतंग को बचाते हुए और ऊपर से उस्ताद, पेज कैंसिल कर दिया गया है फिर से। पेज दोबारा से सही हो चुका है, उस्ताद आगा ऊपर से अपनी मुड्ढा रखते हुए नीचे से काफ़ी बढ़ दे के जगह ले रहे हैं मयंक, डेक्कन चार्जर्स के मेंबर। 2 या 3 बार ये कैंसिल हो चुका है, देखते हैं अब की बार ये पेज लड़ पाएगा कि नहीं। दूर से ही मयंक कोशिश करते हैं कि उस्ताद आगा फंसा ना पाए और खींचना शुरू कर देते हैं। देखना फिर से खींचना शुरू कर दिया और उस्ताद आगा क्योंकि मिला नहीं पा रहे इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं। और देखिए फिर से वही पेज, सेम पेज हो रहा है। उस्ताद आगा ने अंदर की तरफ पतंग रख दी है और चुस्की ऊपर रख लिया और ये देखिए बढ़िया पेज उस्ताद आगा ने काट दिया। 5-4 का स्कोर हो गया है डेक्कन हैदराबाद और इंटरनेशनल लखनऊ के बीच में। पाँच चार का स्कोर, रिजवान भाई आए लड़ाने के लिए नीचे से। तो देखते हैं अब इनका पेज। 5-4 का स्कोर चल रहा है इंटरनेशनल और डेक्कन हैदराबाद के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं रिजवान और नीचे से लड़ा रहे हैं मयंक। तो मयंक ही अभी एक पेज कटे थे उस्ताद आगा जी से और दोबारा से लड़ाने के लिए आए हैं लेकिन ऊपर से अब की बार रिजवान लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के मेम्बर। तो देखते हैं कौन ये काटेगा। जगह ले रखी है नीचे से मयंक ने, 5 पेज इंटरनेशनल ने काटे हैं, 4 काटे हैं डेक्कन हैदराबाद ने। तो देखना यह है कि क्या पेज बराबर हो जाएगा फिर से
या फिर इंटरनेशनल 2 से बढ़त हासिल कर लेगा। नीचे से अपनी पतंग को चलाते हुए काफ़ी बढ़िया बंधी हुई हवा आ गई है, 5-4 का स्कोर। ऊपर से इंटरनेशनल के मेंबर रिजवान मुद्दा रखते हुए और ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरा आपको नीचे करके दिखा दूँ, ज़्यादा ऊंचा पे नहीं। ये देखिए थोड़ा सा बस नीचे करा तो आपको जो आगे एक घर है काफ़ी ऊंचा, उसकी ममटी दिखने लग गई है, तो इसलिए नीचे नहीं जाना चाह रहे क्योंकि गद्दा मारने में फिर दिक्कत होगी। लेकिन डेकन के मेंबर मयंक नीचे नीचे ही अपनी पतंग को चला रहे हैं। थोड़ा सा रिजवान भाई ने पतंग को उतारा, आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे आ गया, वापस से रिजवान भाई ने अपनी पतंग को ऊपर करा। बढ़िया बंधी हुई हवा शाम की आई है, सिर्फ एक टीम आज के दिन का ये गेम लड़ा रही है जिसको आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इंटरनेशनल लखनऊ डेकन हैदराबाद। दोनों ही लोग अपना थर्ड राउंड लड़ा रहे हैं, फोर्थ राउंड जो भी क्वालिफाई करेगा इस राउंड में वो लड़ाएगा इंटरनेशनल अलाहाबाद से। रिजवान भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी नीचे करके रखा, नीचे से मयंक अपनी पतंग को चमकाते हुए ऊपर से रिजवान भाई। पेज सही चल रहा है, 1.5 मिनट हो चुका है इस पेज को, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे का गंदा मुद्दा ढूंढते हुए गद्दा मारने और नीचे से खींचने के लिए मयंक। देखने वाला पेज कि कैसे लड़ाया जाएगा, खींचा जाएगा या फंस जाएगा पेज खींचते खींचते। थोड़ी सी डोल निकाली, ऊपर से रिजवान ने रोका, अंदर की तरफ पतंग दिखाई, मयंक ने काफ़ी ऊंचा कर लिया है। अब रिजवान भाई अपनी पतंग को नीचे रख रहे हैं, गड़ोता मुड्डा बनाया, रोका, निकलता हुआ मुड्डा रिजवान भाई के जा रहा है, कंटी पट की तरफ मयंक की पतंग जा रही है, दोनों ताकत से खींचना। बढ़िया पे रिजवान भाई ने गड़ोते हुए मुड्डे से काट दिया, 6-4 का स्कोर हो गया है। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं रिजवान, नीचे से लड़ा रहे हैं राशिद, 6-4 का स्कोर चल रहा है इंटरनेशनल लखनऊ और डेकन हैदराबाद के बीच में। अपनी पतंग को ऊपर से चलाते हुए इंटरनेशनल के रिजवान, नीचे से राशिद ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दिया, अंदर की तरफ उतारते हुए रिजवान वापस ऊंचा कर लिया, ज़्यादा नीचे से जगह नहीं ले रहे राशिद, अपनी पतंग को लगाए हुए हैं और ऊंचा करके काफ़ी मुड्डा दे रहे हैं। रिजवान ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचे कर लिया है, काफ़ी बढ़िया मैच चल रहा है। 9 दिन, सिर्फ एक टीम लड़ रही है, डेकन हैदराबाद और इंटरनेशनल लखनऊ। इसमें से जो क्वालिफाई करेगा वो लड़ाएगा इंटरनेशनल अलाहाबाद से। देखते हैं कौन आगे निकल के आता है। थर्ड राउंड लड़ा रहे हैं दोनों लोग, वापस से गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, राशिद ने ऊंचा करके दिखाया है, रिजवान ने उसी को ताकत से बाहर की तरफ खींचा है, खड़ा खींचा और झटकने लग गए हैं राशिद, लेकिन कट गए। तो इसी के साथ 7-4 का स्कोर हो गया है इंटरनेशनल और डेकन हैदराबाद के बीच में। तो फ्रेंड्स 7-4 का स्कोर चल रहा है डेकन और इंटरनेशनल के बीच में। 4 काटे हैं डेकन ने और 7 काट दिए हैं इंटरनेशनल लखनऊ ने। ऊपर से रिजवान लड़ा रहे हैं, एक पेज काट चुके हैं इस पतंग से, और नीचे से लड़ा रहे हैं सोनू। तो देखते हैं कौन काटेगा, या स्कोर 7-5 का होगा या फिर 8-4 करके इंटरनेशनल एक पेज और हासिल कर लेगा। नीचे से सोनू लड़ा रहे हैं, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए इंटरनेशनल के रिजवान भाई, जगह ले रखी है नीचे से सोनू ने। पेज सही हो चुका है, अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर चढ़ाते हुए रिजवान भाई नीचे से अपनी पतंग से जगह लिए हुए हैं सोनू भाई भी, और ज़्यादा रेंज नहीं है क्योंकि शाम का समय है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस मीठी हवा है बंधी हुई, तो 350 की रेंज में पेज हो रहा होगा। ऊपर से रिजवान भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं और पतंग को काफ़ी बढ़ दिए हुए हैं रिजवान भाई। नीचे से सोनू भाई देख सकते हैं काफ़ी पतंग को कम करके कोशिश कर रहे हैं खींच के झोल काटने की, काफ़ी ऊंचा करके ले भी आए हैं, निकलता हुआ रिजवान भाई ने बनाया, पट पे खाली करा लिया एक बार, और ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। निकलता हुआ रिजवान भाई ने फिर से बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे, रोक का कंटी पट की तरफ खींचा, रोक लिया, अंदर की तरफ खींचा रिजवान भाई ने, निकलता हुआ मारा अंदर की तरफ, जैसे ही खींचा कट गए सोनू भाई। 8-4 का स्कोर हो गया है इंटरनेशनल और डेकन हैदराबाद के बीच में। तो फ्रेंड्स लास्ट पेज हो रहा है ये, अगर इंटरनेशनल ने काट दिया तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगा, और इंटरनेशनल वर्सेस इंटरनेशनल होगा, एक इंटरनेशनल लखनऊ होगा कल और एक इंटरनेशनल होगा अलाहाबाद का। और अगर डेकन चार्जर्स हैदराबाद ने ये पेज काट दिया तो स्कोर हो जाएगा 8-5 का, और फिर आगे भी और पेज लड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, ये आखिरी पेज होगा आज के दिन का या फिर अभी और पेज लड़ेंगे। तो नीचे से लड़ाने के लिए राशिद भाई आए हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं रिजवान भाई, अपना इस पतंग से तीसरा पेज लड़ाएंगे, 2 काट चुके हैं। नीचे से राशिद भाई ने जल्दी से सही होते ही ऊंचा कर लिया काफ़ी, और मुड्डा रखने के एकदम जगह नहीं दे रहे हैं। रिजवान भाई ने काफ़ी तेज़ खींच के अपनी पतंग को ऊपर करा और अंदर की तरफ उतरने की कोशिश, रिजवान भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़, नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को काफ़ी चलाते हुए, तो राशिद भाई अपनी पतंग को काफ़ी देखे नीचे से चला रहे हैं और रिजवान भाई अपनी पतंग को ऊंचा कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचा कर लिया है राशिद भाई ने और जगह नहीं दे रहे हैं ऊपर से मुड्ढा रखने की। तो रिजवान भाई ने अपनी पतंग को एकदम तान रखा है, काफ़ी ऊँचा करे हुए हैं राशिद भाई डेकन हैदराबाद के मेम्बर।
और ऊंचाई ऊंचा अपनी पतंग को उतारते हुए रिजवान भाई नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को लगाए हुए हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए रिजवान भाई थोड़ा गर्दन की तरफ हैं। इंटरनेशनल के लिए ये चांस है, आराम से काट सकते हैं। डेकन के लिए यह आखिरी पेज होगा, अगर कट जाते हैं तो। ऊपर से रिजवान भाई अपनी पतंग को अंदर की तरफ उतारते हुए, ज़्यादा रेंज नहीं है, शाम का समय है। रिजवान भाई ने अंदर की तरफ पतंग उतारते हुए, राशिद भाई ने काफ़ी ऊंचा कर लिया है। रिजवान भाई ने फिर से अपनी पतंग को ऊंचा कर लिया क्योंकि काफ़ी ऊंचा पेज लड़ रहा है और मुड्ढा नहीं बन पा रहा है रखने का। राशिद भाई जो मुड्ढा उतार रहे हैं रिजवान भाई, उसी को घेर के काटने की पूरी कोशिश में है। रिजवान भाई ने अपनी पतंग को बचाया, ऊपर कर लिया, पतंग को ऊंचा ऊंचा ही चला रहे हैं। वापस से अंदर की तरफ जगह ली, धीरे धीरे अपना मुड्ढा उतारते हुए राशिद भाई बाहर की तरफ अपनी पतंग को ले जाते हुए थोड़ा सा अंदर पे मुड्ढा बनाया है। पतंग को अपनी चलाते हुए रिजवान भाई देखिए फिर से जल्दी से भगाई अपनी पतंग को। रिजवान भाई ने काफ़ी तेज़ हाथों से जगह ली थी राशिद भाई ने। 2 मिनट हो गए हैं इस पेज को, लेकिन अभी तक कोई काट काट नहीं हुई। लेकिन हैदराबाद के लिए ये फाइनल पेज है, लेकिन इंटरनेशनल के पास अभी 5 चांस हैं। अगर कट भी जाएंगे तो भी काफ़ी चांस है। पेज कैंसिल दे दिया गया क्योंकि रेंज काफ़ी कम हो गई है। अब दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इसको। नीचे से सही हो गया है दोबारा से, राशिद भाई जगह लिए हुए हैं। ऊपर से रिजवान भाई, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। राशिद भाई जगह ले रखी है, पेज सही हो चुका है। ऊपर से रिजवान भाई अपनी पतंग को गर्दन की तरफ ही रखे हैं। राशिद भाई ने बाहर की तरफ निकाला। ऊंचा करते जा रहे हैं और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए रिजवान भाई नीचे से राशिद भाई जगह लिए हुए हैं। डेकन हैदराबाद के लिए लास्ट पेज होगा, लेकिन अगर ये इंटरनेशनल कट जाता है तो उनके पास अभी और चांस हैं अगले राउंड में जाने के लिए। तो रिजवान भाई एकदम गर्दन के पास अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ दे के रखे थे, वापस से ऊपर उठा लिया। नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को लगाए हुए हैं और काफ़ी ऊंचा करके अब की बार मुड्ढा दे रखा है। और ऊपर से रिजवान भाई अपनी पतंग को गर्दन के पास ही रख के, तो रिजवान भाई अपनी पतंग को ऊपर से चलाते हुए नीचे से जगह ले रखी है। राशिद भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, रिजवान भाई ने मुड्ढा बनाया, रोका, चलाया। राशिद भाई ने भी पतंग को नीचे कर लिया। बहुत सोच समझ के पेज लड़ा रहे हैं डेकन हैदराबाद के राशिद भाई, क्योंकि उनके लिए ये आखिरी चांस है। इसी पेज से उनको आगे जाके अपने 5 पेज काटने होंगे, तभी वो इस राउंड को फाइनल कर पाएंगे। तो देखना ये है क्या इस आखिरी चांस को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे राशिद भाई, डेकन हैदराबाद के मेंबर। वापस से रिजवान भाई ने ऊपर से मुड्ढा रखा, जल्दी से नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग लगाएं, अंदर की तरफ थोड़ी सी पतंग उतारी। राशिद भाई अपनी पतंग को चलाते हुए, पतंग की रेंज थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही, खींचते खींचते काफ़ी रेंज कम हो गई है। एक बार कैंसिल हो चुका है और फिर से देखिए रेंज कम हो गई थी तो कैंसिल हो गया है। 2 बार ये पेज कैंसिल हो चुका है। पेज सही हो चुका है, फिर से 2 बार कैंसिल हो चुका है। डेकन हैदराबाद के लिए फाइनल पेज है, तो बहुत ही संभाल के लड़ा रहे हैं डेकन हैदराबाद के राशिद भाई और इंटरनेशनल के रिजवान भाई लड़ा रहे हैं। दो पेज इस पतंग से काट चुके हैं, तीसरा है इनके लिए। धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को लगाए, ऊंचा करके मुड्ढा दिया। रिजवान भाई ने थोड़ा सा बनाया लेकिन पट की ओर खींच लिया है और तेज़ हाथों से ऊंचा करते जा रहे हैं राशिद भाई अपनी पतंग को। रिजवान भाई बचाने के लिए काफ़ी तेज़ हाथों से खींचा और पतंग हटा ली है। वापस से पट की ओर करने लग गए हैं राशिद भाई। वापस से रिजवान भाई नीचे की तरफ अपनी पतंग को उतारते हुए, नीचे से राशिद भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं। डेकन वर्सेस इंटरनेशनल, डेकन हैदराबाद, इंटरनेशनल लखनऊ। अंदर की तरफ रिजवान भाई ने पतंग उतारा, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया है। रिजवान भाई ने उसे ताकत से बना लिया, खड़ा खींच रहे हैं लेकिन कट गए। बढ़िया पेज रिजवान भाई ने काटा इस पतंग से, 3 पेज पूरे कर लिए हैं और 9 और 4 से इस राउंड को क्वालिफाई कर लिया है। और कल जो है इनका गेम लड़ेगा इंटरनेशनल अलाहाबाद से।